आबकारी विभाग द्वारा चुनाव के दौरान 1400 से अधिक प्रकरण दर्ज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की जब्ती संबंधी लगभग 1400 प्रकरण दर्ज की गई। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनाव के दौरान विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 7 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा लगभग 1400 प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें से मुख्य 2 बड़े प्रकरण हैं। दीपम रायचुरा ने बताया कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, किसी पार्टी से संबंधित लोगों की संकल्प सामने नहीं आई है, लेकिन विवेचना की जा रही है। यदि इस तरह के कोई प्रकरण सामने आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। जब्त की गई शराब में भोपाल के ठेकेदारों की मिली भगत के संबंध में उन्होंने बताया कि शराब की दुकानों से जो रोजाना बिक्री के आंकड़े हासिल किए गए हैं, उससे यह जाहिर नहीं होता है कि पकड़ी गई शराब भोपाल से ही है। आसपास के क्षेत्र से अवैध शराब के प्रकरणों के संबंध में विवेचना की जा रही है और उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों से शराब जब्त की गई है, उसमें ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो पूर्व में भी अवैध शराब के धंधे में संलिप्त रहे हैं। भोपाल से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। पुलिस विभाग ने कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, सॉरी आबकारी विभाग ने कई बड़ी कार्रवाई की है। सर, लगभग सर कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई और कितनी दारू जब्त की गई अभी तक, कितने प्रकरण दर्ज हुए? देखिए, भोपाल जिले में निर्वाचन अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 7 आबकारी उड़न दस्ते दल बनाए गए थे, और जहां पर भी सूचना प्राप्त हो रही थी या जो आदतन अपराधी हैं या जो संदिग्ध स्थल हैं, उस पर विभाग की टीमों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। पूरे निर्वाचन अवधि के दौरान लगभग 1410 प्रकरण आबकारी विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। सर, इसमें कितने राजनेता हैं और कितने आप पूर्व में अपराधी हैं, या किन 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 पार्टियों की जो शराबबंदी शराब जो है वो पकड़ी गई? देखिए, किसी भी प्रकरण से ये प्रमाणित नहीं हुआ कि ये किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए था, परंतु 2 बड़े प्रकरण बने हैं, उसमें वर्तमान में विवेचना जारी है। विवेचना उपरांत इस संबंध में आगे कहा जाएगा। सर, किन ऐसे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव रहे इस पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में? इसके द्वारा हम लोगों ने पुराने पंजीबद्ध प्रकरणों के आधार पर कुछ क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया था, जैसे नीलबड़ का क्षेत्र है, बिलखिरिया वाला एरिया है, शहर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं स्लम्स एरिया में, वो ऐसे कुछ 6-7 स्थल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे। सर, लेकिन पुलिस ने कई ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 17 पेटी कहीं पकड़ी है, कहीं 20 पेटी पकड़ी है, जिसमें पुलिस ने गंदा कार्रवाई किया, और वो सारी के सारे राजनीतिक दलों की बताई जा रही थी, और पुलिस का भी कहना ऐसा है कि राजनीतिक ये इसका उपयोग चुनाव में बांटने के लिए किया जाना था, लेकिन आबकारी विभाग ने ऐसी कोई भी बड़ी घटना को अभी तक ट्रैक नहीं किया। क्या आपका जो सूचना तंत्र है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है? नहीं, हमको 2 बड़े प्रकरण मिले हैं। एक प्रकरण में एक ट्राले में लगभग हमारे द्वारा 38 पेटी जब्त की गई है, परंतु यही समझ में आया कि वो व्यक्ति आदतन अपराधी था, वो ये अपराध बार बार कर रहा था, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि इसका संबंध कहीं किसी दूसरी एक्टिविटी से है। सर, क्या ऐसे रिकॉर्ड मंगाए गए हैं कि इस चुनाव अवधि के दौरान उन शराब दुकानों की बिक्री जो है वो अतिरिक्त से ज़्यादा बढ़ी है, क्या उनको भी विभाग ने आइडेंटिफाई किया हुआ है? हाँ, देखिए, निर्देशानुसार प्रतिदिन दैनिक विक्रय की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जा रही थी, और इसमें चूंकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भोपाल का ठेका माइनस में गया है, इसलिए किसी भी दुकान से गत वर्ष की तुलना में बिक्री ज़्यादा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये जितनी भी दारू जो आई है, जो पकड़ी गई हैं, वो भोपाल से बाहर की नहीं है, लगभग सभी आसपास के जगह। अब ये विवेचना का प्रश्न है, संबंधित एजेंसी हमारे लोग भी विवेचना कर रहे हैं, संबंधित एजेंसी भी यदि हमसे कोई जानकारी चाहेगी तो हम इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।